अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर खरल साहब, और हमारा आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो करंट मार्केट सिचुएशन है। जैसे कि आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं शहर कराची के अंदर, ऑल ओवर सिंध के अंदर जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये बहरिया टाउन जो है वो एक खूबसूरत शहर बन चुका हुआ है, और ये अगले 50 और 100 साल को सोचने के बाद ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, डेवलप किया गया है। यहाँ का जो पानी का निज़ाम है, और इसी तरह अब यहाँ पे जो रेडी यूनिट्स हैं, आबादी का जो तादाद है, किस तरीके से कितनी तादाद में यहाँ आबादी मूव होती चली जा रही है। अबू बकर, हमें ज़रा बताइएगा कि इस टाइम हम अगर अपार्टमेंट्स की बात करें, विलाज़ की बात करें, शॉप्स की बात करें, तो कितने ऐसे रेडी यूनिट्स हैं जो आगे आने वाले टाइम के अंदर आबाद होते हुए नज़र आ रहे हैं आप? मुबशर, आपने जो यहाँ पे बारिशों के हवाले से बात की है, अभी मेरे ख्याल 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहरिया का जिस तरह से सीवरेज और ड्रेनेज है, सारी चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है कराची से लोग यहाँ पे ना इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए आते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जी बिल्कुल यहाँ पे रश था, यहाँ वैसे वो सारी चीज़ें थी। देखें, रेडी यूनिट के हवाले से बहरिया के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं 950 स्क्वायर फिट हैं टोटल, वो 26 टावर हैं, जिनमें से 2 उनका भी बहरिया ने पोजीशन अनाउंस कर दिया है। बाकी जो 22 टावर हैं उनमें 3 बेड भी आ जाता है, 4 बेड भी हैं और 2 बेड वाले भी अपार्टमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो जो खाली आपको नज़र आए। हाँ, बिल्डिंग्स के अंदर यूनिट का खाली होना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पार्किंग से अंदाज़ा लगाते हैं तो अच्छी खासी आबादी मतलब टावर्स के अंदर आ गई। प्रिशन 19 के अंदर जो जैसे मेन गेट सेंटर होते हैं, क्योंकि ये एक छोटी फैमिली के लिए ना बहुत अच्छी एक अकोमोडेशन है, सो लोग इनको प्रेफरेंस भी करते हैं रेंट के हवाले से भी और परचेज़ के हवाले से भी। और जिस तरह से आज मार्केट का सिनेरियो है कि रेट पहले से बहुत ज़्यादा नीचे आए, अपार्टमेंट्स के अंदर भी हमें 110, 125 या 130 का रेट मिल रहा था, ये 2 बेड जो है अपार्टमेंट उनके अंदर, लेकिन आज 80, 85 या 90 लाख में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। सेम इसी तरह से इकबाल विलाज़ हैं, कायद विलाज़ हैं जो प्रिशन 2 के अंदर बने हुए हैं, यहाँ पे भी हमें मतलब शॉपिंग गैलरी अगर आप देखते हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, या मतलब जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है बहरिया की तरफ से तो सारी चीज़ें कम्प्लीट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्राउडली आबाद एरिया अगर हम देखते हैं या सुकून वाला जो बहरिया टाउन के अंदर है, वो हमें कायद विलाज़ के अंदर मतलब वो वाली फीलिंग्स आती है, और वो भी सारे के सारे आबाद हैं। प्राइस यहाँ पे भी जैसे नॉर्मली दूसरे प्रेशंस के अंदर कम हुई है, यहाँ पे भी हमें रेट पहले की नस्बत काफ़ी हद तक जो है ना वो मुनासिब लग रहे हैं। पहले यहाँ पे कायद बिला जो 200 गज़ वाला है उसकी प्राइस तकरीबन 2.5 करोड़ या 2.8 करोड़ रुपया इस तरह के रेटों में मिल रही थी, लेकिन आज वही वाले जो घर हैं वो तकरीबन 230-225 की ब्रैकेट में चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक जानना चाहूँगा, जिस तरह ये आपने बहरिया के बने हुए घर और अपार्टमेंट की बात की है, जी जी, इसी तरह चंद एक जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और उनके अब जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका हुआ है, यानी उनके वो यूनिट्स जहाँ पे आबादी हो सकती है, वो किस किस जगह पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इन जगहों पर आगे आने वाले टाइम में आबादी नज़र आएगी? देखिए, अगर प्राइवेट बिल्डर के हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी है जो ड्यूटी होती है वो तो पूरी करके दे दी है। मतलब अगर आप ट्रैवल करते हैं मेन जिन एवेन्यू, मेन गेट से थीम पार्क तक का जो हमारा ये बनता है, तो ये मेरा ख्याल है कोई 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके सराउंडिंग में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो आपको बनी हुई नज़र आती है। जो आपकी लेफ्ट साइड है यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, राइट साइड पे आपको जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिलती हैं, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग्स का पोजीशन आ चुका है, लोगों ने अपने ऑफिस रेंट आउट किए हैं या खुद बैठ के वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो अगर डिले है तो मेरा ख्याल है बहरिया की तरफ से डिले है। ठीक है, बिल्डर्स की तरफ से ऐसा कोई भी डिले होने का चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, यूनिट बना के दे दिए हैं। जिस तरह ये अबुल कासम के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, AQ हाइट्स के नाम से है, या AQ अपार्टमेंट एंड मॉल, वो भी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से या कंप्लीशन लेटर ना मिलने की वजह से आज हमें डिले लग रहा है। Avenue 1 के ऊपर ट्रेवल करते हैं, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स रेडी मिलती हैं। लिबर्टी कमर्शल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो रेडी हैं, लेकिन अगर वो डिले हो रहा है तो मेरा जो ख्याल है कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से ये चीज़ लाइट का ना होना, लाइट अभी तक नहीं दी गई, जी सिर्फ अभी कमर्शियल बिल्डिंग्स को कुछ दी गई है लाइट्स, लेकिन जो रेजिडेंशियल यूनिट वाली बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे अभी लाइट्स नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे बहरिया टाउन को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए या स्टडी करना चाहिए कि किन चीज़ों की ज़रूरत है,
स्पेशली बिल्डर्स के हवाले से, क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है लेकिन उसकी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो एंड यूजर की लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो लोगों की इन्वेस्टमेंट, यहाँ वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उनकी आज जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हुई पड़ी है। स्टक का हाल ही है कि बहरिया उनको लाइट दे, वो उसका पोजेशन अनाउंस करें, वो आगे उसे बेचें, रेंट आउट करें या खुद आके शिफ्ट हों, लेकिन ये एक नई मतलब हमें दुनिया आबाद होती नजर आएगी। इसी तरह जिस तरह बहरिया ने बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट बनाए थे, वहां पे भी पोजेशन आ चुका है, आ चुके हैं, चार ऐसे टावर हैं जहां पे आबादी इस टाइम हमें देखने में नजर आती है। पैरागॉन अपार्टमेंट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो भी एक प्राइवेट बिल्डर ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? सर वो है तो प्राइवेट बिल्डर का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बहरिया टाउन के अंदर अपना जो एक नाम बनाया है या लोहा मनवाया, वो अलग एक बहरिया के अंदर काम करके वो चीजें कर रहे हैं। उनका वो प्रोजेक्ट है प्रश्न सेवनटीन के अंदर है, वो एक गेटेड कम्युनिटी है, अलग से बाउंड्री वॉल है, अलग से उसका गेट है, और वहाँ पे हाइट्स की तरह के अपार्टमेंट बने हुए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, उनका जो उनके वो हैं स्टाफ है उनका फॉलोअप बहुत अच्छा है विजिटर के हवाले से या रेजिडेंस के हवाले से, तो वहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी आ भी रही है और फ्यूचर में हमें वहाँ पर ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। पोजेशन दे दिया उन्होंने, और सबसे जो बड़ी वहाँ पे एक मतलब चीज़ देखने को नज़र आती है कि वहाँ पे आपको रेडी अपार्टमेंट जो है शिफ्टिंग के लिए या रेंट आउट करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप बहरिया की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं आपने फुल पेमेंट करनी है तो आपने वहाँ पे शिफ्ट होना है या उसका पोजेशन लेना है या उसके ऊपर काम करना है, लेकिन पैरागॉन जो है वो सेम कैटेगरी है और प्रोजेक्ट के हवाले से देखा जाए तो गेटेड कम्युनिटी है, लेकिन वहाँ पर आप 50% पेमेंट करेंगे अपार्टमेंट की और पोजेशन चार्जेस जो उनके डिसाइडेड है वो आप पेमेंट करेंगे, आपको पोजेशन मिल जाएगा, रिमेनिंग जो आप 50% है वहाँ पे रहते हुए या उसे रेंट आउट किए हुए आप उनको जो है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे सकते हैं। अबू बकर भाई, मैं चाहूँगा कि आखिर में हम कोई ऐसी दो चीज़ें जो हैं वो प्लॉट्स की मद में या विलास जो बहरिया के बने हुए हैं उनमें कोई ऐसी चांस की डील या अट्रैक्टिव रेट्स आप हमें अगर बता दें कि ये बेहतर रेट्स हैं, इन चीज़ों पर हमें जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो वो करेंगे सर? सर प्रेसेंट 27 है, प्रेसेंट 31 है, 235 गज के विलाज है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और कवर्ड एरिया भी उनका बहुत अच्छा है, आज आप उनको एक चांस डील के तौर पे कह सकते हैं। वहाँ पे आबादी ठीक ठाक हमें नज़र आती है, वहाँ पे शॉपिंग गैलरी है, मस्जिद है, जो सहूलियात है ज़िंदगी शुरू वाले प्रेसेंट्स में नज़र आती हैं वहाँ पर भी आज सारी मौजूद है। ठीक है, वहाँ पर आज आपको जो घर है वो 1,40,00,000 से लेकर 1,60,00,000 की ब्रैकेट में मिल जाए। अगर वही वाला घर हम प्रेसेंट 2 में लेने आते हैं तो वहाँ पे हमें 1,00,00,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है, 1,00,00,000 यहाँ पे आज भी आपको 2.25 करोड़ की प्राइस मिलती है, 2,50,00,000 की प्राइस मिलती है कायद विलाज के अंदर जी, और यही सेम कवर्ड एरिया, सेम लाइफस्टाइल है और सेम वो घर का साइज है सारी चीज़ें, तो आपको प्राइस में 1,00,00,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है। और प्लॉट्स के हवाले से 125 गज है, 250 गज है, कीमतें आज सबकी मुनासिब हुई पड़ी है, मतलब आप ये देखेंगे जो लॉन्चिंग प्राइस है उसके ऊपर आपको प्लॉट मिल रहा है, पोजेशन वाला प्लॉट आपको मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन वाला आपको प्लॉट मिल रहा है, आप प्लॉट लेके पोजेशन अप्लाई करके या मोस्टली प्लॉट आपको पोजेशन के साथ मिलते हैं और फौरन अपना वहाँ पे घर बना सकते हैं। बहरिया ग्रीन्स की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो 75 गज का प्लॉट है, आज आपको वो वाला प्लॉट जो है वो 10,00,000 का मिल जाता है, 15,00,000 रुपये का प्लॉट मिल जाता है, जैसे लोकेशन है उनकी, लोकेशन वाइज आपको 20,00,000 का भी प्लॉट मिलेगा, जबकि वहाँ पे जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 17,00,000 साढ़े सत्रह लाख और आज आपको वो लॉन्चिंग प्राइस से भी 5 से 6 लाख कम प्राइस में आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, हमारी एक ये छोटी सी कोशिश है कि हम आपको ग्राउंड रियलिटी जो है वो बताते जाएं अपनी इन वीडियोज़ के तवसल से। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल पे आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।